सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही अनोखे बच्चे से मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं कौन है वो। ये है लक्ष्य। लक्ष्य एक बहुत ही अनोखा बच्चा है, क्योंकि यह बहुत अच्छे अच्छे करतब करता है। और सबसे अनोखी बात तो ये है, इसका करतब देखने व्यंजन श के मित्र आते हैं। यह तो बहुत ही रोचक बात है। तो चलिए लक्ष्य के साथ व्यंजन श के मित्र देखते हैं। यह तो छ है और इंग्लिश में इसे सिक्स कहते हैं। तो ये कैसे हुआ व्यंजन श का मित्र? यह व्यंजन श का मित्र इसलिए हुआ क्योंकि छ को षड् भी कहा जाता है। षड् यानी छ। अब देखते हैं व्यंजन श का एक और मित्र। अरे वाह, यह तो बहुत रोचक चित्र है, लेकिन यह आकृति किस चीज की है? बेटा, इस आकृति को षटकोण कहा जाता है। जिस आकृति के छह कोने होते हैं वह होती है षटकोण। चलिए इसके कोने गिनते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह कोने वाली आकृति षटकोण, क्योंकि षट यानी छह, कोण यानी कोने, छह कोने वाली आकृति षटकोण। चलिए बच्चों, अब देखते हैं आगे कौन सा मित्र है हमारे पास। षटकोण तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो अगला मित्र है, अरे यह तो एक कीड़ा है। ये कैसे हुआ व्यंजन श का मित्र? इस कीड़े के छह पैर हैं और छह पैर वाले कीड़ों को षटपद कहा जाता है। षट यानी छह, पद यानी पैर, छह पैर वाला कीड़ा षटपद। आपको पता है बच्चों, ज्यादातर सभी कीड़ों के छह पैर होते हैं। मुझे तो यह जानकर बहुत अच्छा लगा और व्यंजन श के इतने सारे मित्रों से मिलके बहुत मजा आया। अब यह है व्यंजन श जिसके मित्र हमने अभी देखे। चलिए बच्चों, अब हम व्यंजन श का लिखित अभ्यास करेंगे। मुझे तो ये कहानी सुनकर और लक्ष्य से मिलकर बहुत मजा आया। क्या आपको भी मजा आया? तो चलिए हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय।